जनसंवाद का भी कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले मुख्यमंत्री राजे ने वैश्य समाज के लोगों के साथ संवाद किया। तो केकड़ी दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। कल का दिन मांडलगढ़ के नाम रहा और आज मांडलगढ़ से हेलीकॉप्टर के जरिए केकड़ी पहुंची सीएम। जोरदार स्वागत केकड़ी में सीएम राजे का किया गया। कटारिया ग्रीन में प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने, और इसके बाद जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वैश्य समाज के लोगों के साथ उन्होंने संवाद किया। और चलिए संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, केकड़ी दौरा है आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं और अभी फिलहाल क्या हो रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है वो अभी केकड़ी में है और केकड़ी में मुख्यमंत्री का जो संवाद कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। तमाम समाजों के जो लोग हैं उनसे मिलने की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले वैश्य समाज के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हैं, और उसके अलावा जाट समाज के जो लोग हैं वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। वैश्य समाज के लोगों की मुख्यमंत्री से मीटिंग हो चुकी है और लगातार जो मीटिंग का दौर है वो चल रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि कितनी जो भीड़ है केकड़ी की वो यहाँ पर आई हुई है। मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा सा कैमरे को जूम करके दिखाएंगे कि यहाँ जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है उससे आपको पता लगेगा कि कितनी यहाँ पर भीड़ आई हुई है। बिल्कुल ऐश्वर्य, तस्वीर हम देख पा रहे हैं। ऐश्वर्य, क्या किस जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है, ऐसा कोई कार्यक्रम भी है या फिर सिर्फ अलग अलग समाजों के जो जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं, संवाद कर रही हैं सीएम? आइए केकड़ी क्षेत्र के विकास यात्रा को शुरू करने से पहले नजर डालते हैं राजस्थान सरकार की। देखिए, जनसभा जैसा कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री सिर्फ बातचीत कर रही हैं, संवाद कर रही हैं। तमाम जो समाज है उन समाजों के लोगों से मुख्यमंत्री का संवाद का कार्यक्रम लगातार जारी है जो शाम तक चलेगा, और देर शाम मुख्यमंत्री की भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों से मंत्रणा होगी जिसमें कि मुख्यमंत्री उनसे इस इलाके का फीडबैक लेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। समाजों के जो लोग हैं उनसे भी मुख्यमंत्री उनकी समस्याएं जान रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, जो शाम तक जारी रहेगा कार्यक्रम। बिल्कुल ऐश्वर्य, और क्या ये केकड़ी का दौरा सिर्फ एक दिन का दौरा रहेगा, आज रवाना होना है यहाँ से या फिर आज रात्रि विश्राम केकड़ी में ही? गौतम द्वारा अभियान का शुभारंभ किया गया, अभियान के दौरान गांवों में। देखिए, जहां तक मैं आपको सुन पा रहा हूं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए आप पूछ रहे हैं, तो आगामी मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो अजमेर में ही रहने वाला है। नसीराबाद और अजमेर दक्षिण को लेकर मुख्यमंत्री जो है वो चर्चा करेंगी। लगातार मुख्यमंत्री का चर्चाओं का दौर जारी रहेगा, लोगों से मंत्रणा करेंगी, बातचीत करेंगी। ऐश्वर्य, बिल्कुल जानना ही चाहिए कि केकड़ी का दौरा है, क्या ये एक दिवसीय दौरा ही है, आज ही रवाना हो जाएंगी सीएम राजे या फिर आज केकड़ी में ही विश्राम करना है, केकड़ी में ही रुकना है? देखिए, केकड़ी के पास में मुख्यमंत्री के रुकने की व्यवस्था की गई है। आज रात्रि को मुख्यमंत्री यहीं पर रुकेंगे और उसके बाद अजमेर दक्षिण के लोगों के साथ संवाद करेंगे। अजमेर उत्तर के लोगों के साथ मुख्यमंत्री संवाद कर चुकी हैं जो कि वासुदेव देवनानी का क्षेत्र है। अब अनिता भदेल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री बातचीत करेंगी, वहाँ के लोगों से समस्याएं जानेंगी, वहाँ के लोगों से फीडबैक मुख्यमंत्री लेंगे। चलिए बिल्कुल ऐश्वर्य, आप नजर बनाए रखिए इस दौरे पर, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।